हेलो लर्नर, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज आर्ट्स में। आज हम प्राविधिकी कला ज्योमेट्री आर्ट्स के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके विषय में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में इससे लगभग 5-6 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। तो हम इस वीडियो से एक आइडिया लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री के लगभग 2 से 3 पार्ट्स बनेंगे, तो सभी पार्ट्स को आप जरूरी देखिएगा, क्योंकि उससे एक आपको फुल आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ से शुरू करते हैं। ज्यामिति का अर्थ है, ज्यामिति 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला जिसमें ज्या का अर्थ है भूमि तथा मिति का अर्थ है मापन। अर्थात यह गणित की एक इम्पोर्टेंट शाखा है जिसमें भूमि का मापन लिया जाता है, और प्राचीन काल में इसका उपयोग मुख्यतः भूमि के पृष्ठ यानी कि लैंड सर्वे के लिए किया जाता था, और आज इसका उपयोग हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। ज्यामिति के विषय में हम भूमि को नापने की इकाइयां जैसे आकृति, बिंदु, रेखा, वृत्त, तलों और ठोस चीजों के गुण तथा इसके स्वभाव, मापन और उसके अंतरिक्ष में सापेक्षित स्थिति के बारे में अध्ययन किया जाता है। ज्यामिति शाखा ज्ञान की सबसे प्राचीन शाखाओं में से एक मानी जाती है। और हम अगर इसकी डेफिनेशन देखो तो हम इसको कप शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि ज्यामिति गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों तथा अन्य का अध्ययन किया जाता है। ज्योमेट्री को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पहले आपका समतल ज्यामिति जो 2D है, इसके अंतर्गत आप बिंदु, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, बहुभुज और जितने भी भुज होते हैं, चाहे षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, नवभुज हो, ये सारे भुज समतल यानी कि प्लेन ज्योमेट्री के 2D के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम केवल लंबाई और चौड़ाई की ही बात करते हैं 2D के अंतर्गत। एवं 3D के अंदर आपका ठोस ज्यामिति में बेलन, शंकु, गेंद, सिलेंडर, घन, पिरामिड, प्रिज्म, ठोस वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, और इन वस्तुओं में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, और 3D से ही अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको हम देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चंस में जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि समतल को यानी कि 2D को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो आपका प्रमेय और दूसरा निर्मेय। अब प्रमेय क्या होता है और निर्मेय क्या होता है इसके विषय में जानते हैं। प्रमेय के अंतर्गत हम ज्यामिति की सच्चाइयां सिद्ध करते हैं, ये इसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। स्क्रीन पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, इसके कर्ण पे एक सी वर्ग बना है तथा आधार और लंब पर ए और बी वर्ग बना है। जो ए और बी वर्ग बने हैं ये सी के क्षेत्रफल के बराबर या इसके परिमाप के बराबर है या नहीं, इसे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो यही प्रमेय के अंतर्गत आता है। एवं निर्मेय के अंतर्गत हम ज्यामिति आकारों की रचना करते हैं, जैसे समान क्षेत्रफल वाले वर्ग की रचना करना, और पटरी प्रकार द्वारा किसी एक रेखाखंड का लंब खींचना, या फिर षष्ठभुज बनाना, एक वृत्त की रचना करना, ये सारे निर्मेय के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं कि 3D शेप से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्यूब दिख रहा है, इसमें पूछा जाएगा कि किसी क्यूब के कितने फलक होते हैं, या फिर कितने फेस होते हैं, या कितने कोर होते हैं, एवं या फिर क्यूब ना देखे आपको बोला जाएगा कि पासा की जो आकृति है इसमें कितने फलक होते हैं, और वैसे ही क्यूबॉइड के लिए भी क्वेश्चन आएगा। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में जितनी भी 3D आकृति हैं, चाहे वो द्विदास फलक हो या षष्ठ फलक हो, उससे लेके हम बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार करेंगे। ये ज्यामिति से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आइए इनको देखते हैं। परस्पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा। विकर्ण मापनी क्या है? 3 अंकों की मापनी। ठोस के कितने आयाम होते हैं? 3। 4 अंकों से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र क्या कहलाता है? बहुभुज। टी स्क्वायर क्या है? समांतर रेखा खींचने का यंत्र। द्विदास फलक में रहने वाले मुखों की संख्या 12। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 3D की जितनी भी आकृतियां हैं उन सबको कवर करेंगे, और
जानेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जितने भी फलक हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।